जब एम टी जा रही थी एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड नो लॉर अबाउट एम एंड मैंने काफी यूट्यूब वीडियो सर्च करी थी बट मुझे भी यही लगा था कि स्पॉन्सर्ड होगा भाई एम टी है कुछ भी कर सकता है बट दैट इज नॉट ट्रू एंड लेट्स रियालिटी एम एजुकेशन टी में पढ़ाई बहुत अच्छी है अकॉर्डिंग टू मी एंड जितना मैंने ऑब्जर्व करा है टीचर्स बहुत हार्ड वर्किंग है अगर आपको पढ़ाई करनी है तो ही एम आना जस्ट बिकॉज यहाँ पे पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा डंडा है बिल्कुल तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हवाबाजी है और जब टाइम पास हो एम में आके तो ये सब बिल्कुल मत सोचना सो फॉर मी एडुकेशन इन एम टी इज बी मैंने अपनी बैचलर्स ड्यू uh, से कर रही है और टू बी ऑनेस प्लीज ड्यू मुझे माफ कर देना बट ड्यू में पढ़ाई अच्छी नहीं है येस दैट्स द ट्रूथ एंड बिकॉज वहाँ पे कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता एंड कोई भी रेगुलरिटी नहीं है कोई भी स्ट्रिक्टनेस नहीं है ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स के संग जब स्ट्रिक्टस नहीं होगी तो पढ़ाई नहीं करेंगे एंड ऑन द अदर हैंड एम एंड टीम बहुत स्ट्रिक्टस है सो डेफिनेटली यू विल जस्ट स्टडी ओवर दर let's move on to the second Good point, point. next up we talk about atmosphere so amity ka atmosphere is very nice full of greenery and in fact your blocks may harus may centralize ac are. so it's very nice and if we talk about uh, human nature in amity atmosphere hai? So, it's very chill and your कुछ मन हो कुछ भी पहनो कुछ भी कह कै, कैसे भी आ सकते हो आपने देखा होगा बच्चों को काफी सारी रील्स में वियरिंग डिफरेंट क्लोथ वेरी नाइस so nice की वहां आपको जज करने वाला नहीं है एंड टू बी अगर हिंदी में कहा जाए किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम तो लोग वहां पर कुछ भी करो सो इट्स वेरी चिल बट हाँ बट 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 ज्यादा रिवीलिंग क्लोथ्स आर नॉट अलाउड ऑब्वियसली बट लड़कियां फिर भी पहनकर आती हैं तो छिप छपा कर वियर कॉस्ट बाकी ओवरऑल एमेटी का एटमोसफेयर इज नाइस वेरी नाइस लाइक मैंने ड्यू में लाइक आई एम गोइंग विद कंपेरिजन विद ड्यू बट मैंने ड्यू में इतना नहीं पहना बट एमेटी में क्या होता है ना सब लोग पहनकर आते हैं तो आपका भी ऑब्वियसली मन करता है कि अच्छा अच्छा आउटफिट पहन के जाओ एंड शो योर सेल्फ एंड को रील्स बनाना होता है सो so, आउटफिट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड एमटी में बहुत सारे ऑप्शन है फूड के देर इज एच ब्लॉक जो कि कम्प्लीटली तुम्हारा फूड कोर्ट है एंड जब मैं स्टार्टिंग में गई थी आमेटी में सो आई वॉज सो शॉक देर वॉज सलॉन एज वेल बिकॉज वहाँ पे हॉस्टल के स्टूडेंट्स रहते हैं डेफिनेटली सो देर वॉज सलॉन ग्रॉसरी शॉप बुक शॉप सो इट वॉज सो नाइस एक्सपीरियंस एंड बाकी आपके और भी आउटलेट्स हैं जैसे मेगावाइट हो गया रारा हो गया तो आप वहाँ पर और कैंटीन्स भी हैं जैसे कि डी ब्लॉक की कैंटीन आई ब्लॉक की कैंटीन एंड दे आर क्वाइट अफोर्डेबल पहले मेरे को लगता था आम का कौन इतना महंगा होगा पर ऐसा कुछ नहीं है इट्स क्वाइट अफोर्डेबल आपको फोर्टी फिफ्टी रुपीज में थाली मिल जाएगी फोर रोटीज इजीली किसी का भी पेट भर सकता है एमिटी में रहकर एंड इनफेक्ट एमिटी के बाहर भी काफी सारी शॉप्स हैं जो आप जाके आराम से वहां पे खा सकते हो एंड फिफ्टी रुपीज में मोई तो पी सकते हो सो फूड इज वेरी अफोर्डेबल एंड आई रेट टेन आवर टेन फॉर फूड तो अगर मेरे डिपार्टमेंट में कह रहे हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में अब देखो कब तक आता है वी डोंट नो एंड यू टॉक अबाउट एम बी ए जितना मैंने सुना है इट्स ओनली सेवेंटी परसेंट एंड क्योंकि फिलहाल रिसेप्शन पीरियड इन एवरी फील्ड तो इतनी प्लेसमेंट है भी नहीं तो एम में प्लेसमेंट्स के लिए मैं नहीं कहूंगी कि अगर आपको प्लेसमेंट्स की उम्मीद से आ रहे हो तो इतना आप नहीं सोच सकते कुछ 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 डेफिनेटली अच्छी आती हैं कंपनीज बट यू हैव टू बी क्रीम फॉर दैट तो ऐसा मैं सोचा कि हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट है ऐसा कुछ नहीं है एम में टू बी ऑनेस्ट सो लेकिन अगर आपको पढ़ाई चाहिए भाई आपको मेन फोकस होना चाहिए पढ़ाई रादर देन प्लेसमेंट्स अगर आपके पास क्वालिटी आप है इजिली भी भी अपनी जॉब ग्रैप कर सकते हो इनफैक्ट वहां पर जो प्लेसमेंट्स वाली कंपनी आती है आप उनमें भी अपना ग्रैप कर सकते हो द थिंग इज की यू शुड हैव अ गुड नॉलेज अगर अच्छी नॉलेज चाहिए देन कम टू एम टी नाव लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट टॉक अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सो वहां पे संगठन होता है जो कि सारे गेम्स करवाता है इट्स जस्ट लाइक अ कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन जो की uh, सारे गेम्स है, इसमें आपके गेम्स वगैरह कराते हैं टी सी सी सारे गेम आ जाएंगे जो कि काफी बड़े लेवल पे होते हैं एमए में उसके लिए आपको ओडी भी मिल जाती है <laughs> तो चलो ठीक है सो so, और बाकी आपकी खुद की सोसाइटीज होती है खुद के डिपार्टमेंट की सोसाइटीज होती है तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप करने के लिए बहुत कुछ होता है एंड इनफैक्ट वहाँ पे आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाकर आप लोग अपने व्यू शेयर ऑन कर सकते हो अपना खुद का रील्स वगैरह बना सकते हो हाँ मतलब आई एम चैलेंग जो मैं वहाँ पर करती हूँ तो मेरे लिए करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी एम को एट जाता है डू इसलिए कट करा बिकॉज मैं ड्यू से आई हूँ और ड्यू में आप एक्स्ट्रा कुलर एक्टिविटीज से कंपेरिजन कर ही नहीं सकते जस्ट बिकॉज ड्यू इज वेरी मच फेमस फॉर इट्स एक्टिविटीज इतनी सारी सोसाइटीज होती है इतने सारे इवेंट्स होते हैं सारे फेस्ट होते हैं सो ड्यू से कंपेरिजन तो आई कॉन्ट डू विद इट एमिटी बट हा एमिटी में सेलेब्स आते हैं सो दैट्स अ प्लस पॉइंट ना लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन ऑब्वियसली वगैरह आपके कपड़े वगैरह डीप क्लोथ्स आर नॉट अलाउड वही अगर आपको छुप छुपा के पहनना है तो आप पहन सकते हो इतना कुछ इश्यू नहीं है बट आप टीचर्स की नजरों में मत आना प्लीज एंड आप कोई से भी व्हीकल से आ सकते हो इट्स योर चॉइस बट आपको पास बनवाना पड़ता है अगर आपको इनर पार्किंग चाहिए एमिटी के अंदर बाहर भाई मत रखना जस्ट बिकॉज चलान करते हैं तो बाहर बिल्कुल भी रिस्क आउट मत करना अगर आपको नॉर्मली uh, खड़ी करनी है अपनी स्कूटी एंड बाइक्स एंड ऑल सो इट्स गेट नंबर टू एंड फॉर द कार वन यू हैव टू टेक द पास जो कि आपके हेड uh, जो होंगे आपके डिपार्टमेंट के दे विल क्लियर इट आउट सो रेस्ट्रिक्शंस वगैरह एज सच कुछ नहीं है बस आपको आई डी कार्ड कंपल्सरी लाना ही लाना है अदरवाइज दे विल जस्ट फाइन फाइव हंड्रेड रुपीज़ अगर आप सपोज करो गुड़गांव से आ रहे हो और आप अपना आई डी कार्ड लेने लेकर नहीं आए ऑबियसली आप वापस तो जाओगे नहीं बट यू हैव टू पे आउट फाइव हंड्रेड रुपीज तो अंदर जाने के लिए या फिर अपनी कोई सेटिंग सुटिंग कर लेना तो वो आपके ऊपर है सो जस्ट मेक श्योर कि आप आई कार्ड लाओ भाई क्यों ही खा किसी को पैसे देने और क्यों ही ऐसे किसी को झुकना किसी के आगे राइट सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ द क्वेश्चन अबाउट द कैंपस लाइफ ऑफ एम

का बहुत औसम होता है सो इट्स गुड एम टी कैंपस लाइफ इज गुड बट दिंग आपको थोड़ा एक्सवर्ट बनना पड़ता है टू पार्टिसिपेट इन ऑल दो मेक श्योर की आप बहुत अच्छे से अपनी कैंपस लाइफ एंजॉय करो नॉट द इम्पोर्टेंट पॉइंट राइज इज वेदर यू शुड ज्वाइन एम टी और नॉट स्टार्टिंग में मैं भी बहुत ज्यादा डर रही थी कि मेरे को एम टी में जाना चाहिए नहीं चाहिए ऊपर से इतनी ज्यादा हाई फीस है रिग्रेट माई डिसीजन इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने एम uh, ई को चूज करा एंड थैंक गॉड मेरा सीवी टी में नहीं हुआ जस्ट बिकॉज मेरा जो कॉन्सेप्ट था इंग्लिश ऑनर्स का इट वॉज नॉट क्लियर इंड ड्यू एंड मेरे को अब आके समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली इंग्लिश ऑनर्स होता क्या है सो आई विल बी थैंकफुल फॉर एम कि उन्होंने मेरा बेस आउट क्लियर करा एंड इतनी ज्यादा हार्डवर्क के लिए obviously it's a private university they will just do very much hard work with you all so overall आपको amity जाना चाहिए अगर आपको पढ़ाई करनी है अगर आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर अच्छा चाहिए अच्छा अच्छा, अगर आपको अपने ऊपर वर्क ऑन करना है एक अच्छी कैंपस लाइफ देखनी है तो you will you should definitely join amity and अगर आपको आवारा गर्दी करनी है फंक आउट करना है और वो सब भी थोड़ा बहुत आप कर सकते हो एम में आके ऐसे कुछ वो नहीं हो गया कि बिल्कुल ही सत्यवादी हो गया एम ऐसा कुछ नहीं है यू कैन जस्ट कम एंड एंजॉय बट योर शुड योर मोटिव इज टू टेक मोर एंड मोर फ्रॉम एमटी दैट शुड बी योर मेन मोटिव जस्ट वक्त इतनी हाई फीस है सो ओवरऑल आई गेट नाइन आउट ऑफ टेन टू एमटी ओवरऑल सो आई रियली एंजॉय माई कैंपस लाइफ थैंक्स एम दिट सॉल्व फॉर दिस ब्लॉग आई होप मैंने आपका कुछ डाउट क्लियर कर देंगे जो भी आपके दिमाग में चल रहा होगा रेस्ट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग एमटी यू कैन जस्ट कॉमेंट डाउन एंड अगर आपको कुछ भी पूछना है एम टी के बारे में यू कैन जस्ट आस्किली इनफैक्ट मैंने अपने कुछ वीडियोज में पहले जब मैं स्टार्टिंग में एमठी गई थी एक साल पहले मैंने टूर भी दिया है एमिटी का यू सो यू कैन जस्ट सी दैट मैं उससे अपने कॉमेंट उसमें डाल दूंगी uh, पिन अप कर दूंगी सो ओवरऑल एमिटी लाइफ इज गुड एंड यू शुड कम इफ यू विश एंड इफ यूर पॉकेट अलाउ टू बी ऑनेस्ट खामा खा अपने पेरेंट्स के पीछे मत पड़ना कि भाई जाना है जाना है जाना है ऐसा कुछ नहीं है ड्यू लाइफ इज ऑल्सो गुड एंड अदर यूनिवर्सिटीज आर ऑल्सो गुड वेर इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू की आप उससे कितना ग्राफ आउट कर दो सो दट ऑल फॉर दिस ब्लॉक चलो बाय बाय लाइक सब्सक्राइब